नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के प्रोग्राम नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके, यानी कि NUH को लेके, और जानेंगे HAL की जो दावेदारी है ALH Mark 2 को लेके वो किस प्रकार की है इस कंपटीशन में, और एक माइनर सा जो कंपेरिजन है वो ड्रॉ करेंगे HAL के ALH Mark 3 और एयरबस के पैंथर के बीच में, जो कि इस कंपटीशन में एक भागीदार है। तो इस कंपटीशन की शुरुआत ही हुई थी HAL के ध्रुव के रिजेक्शन के बाद, जो कि 2008-2009 में हुई थी, जहाँ पे HAL ने NUH के लिए ध्रुव पे कुछ लाइट वेट टॉर्पीडो और रडार माउंट करके ऑफर किया था। तब उस समय बहुत सारे पैरामीटर को देखते हुए नेवी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और ये कुछ पैरामीटर ऐसे थे जैसे कि प्लेटफॉर्म की रेंज, एंड्योरेंस, ब्लेड फोल्डिंग का ना होना, स्टोर डायमेंशन मतलब कितना क्यूबिक मीटर कोई सामान यानी कि कोई हेलीकॉप्टर ऑक्यूपाई करता है शिप पे, और इन फैक्टर के साथ साथ जो एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी है और सर्विसबिलिटी है, ये दोनों ही साइड किए गए थे, जो कि मेजर कारण थे ALH को रिजेक्ट करने का NUH के रोल में। सो ये कुछ की पैरामीटर जो कि नेवी अचीव करना चाहती है NUH रोल के लिए। और वहीं पे नेवी ने अब जो नया निकाला है नेवल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट यानी कि NSQR, अगर उसकी तरफ देखते हो तो जो की पैरामीटर उनको चाहिए, मतलब ये जो NUH होने चाहिए ये कुछ रोल करने चाहिए, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हो गया, कम्युनिकेशन ड्यूटी हो गई, मतलब आपके हेलीकॉप्टर पर पर्याप्त जो सिक्योर कम्युनिकेशन की डिवाइस हैं वो होने चाहिए ताकि वो दूसरे कार्गो या पैसेंजर से कम्युनिकेट कर सके। वहीं पे एंटी पायरेसी मिशन के साथ साथ जो एंटी टेररिज्म मिशन है वो करने में सक्षम होना चाहिए आपका हेलीकॉप्टर। तो टेक्निकली कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपके हेलीकॉप्टर में जो RWR है, रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग और CDMS यानी कि फ्लेयर डिस्पेंसर, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जबकि एक नई रिक्वायरमेंट है जो कि स्पेशली फोकस करती है एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे। हालांकि ये जो एंटी सबमरीन का डोमेन है ये आमतौर पे जो आपके NMRH हैं उस क्लास कैटेगरी के हेलीकॉप्टर में आते हैं, लेकिन जिस तरह से आने वाले समय में जो वॉरफेयर है वो इवॉल्व हो रहा है, तो आपको इस तरह की जो कैपेबिलिटी है वो नेवी के एविएशन कॉप में ज़्यादातर एंटिटीज पे चाहिए। और इन एंटिटी में जो हेलीकॉप्टर का डोमेन है नेवल हेलीकॉप्टर का, वो काफ़ी क्रिटिकल है, और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर नेवी लैग कर रही है। तो हम यहाँ पर ऐसे ही कोई भी हेलीकॉप्टर प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं, जो भी हेलीकॉप्टर प्रोक्योर किया जाना चाहिए मेरी नज़र में इस तरह के क्रिटिकल मिशन के लिए वो चीज़ प्रूवन होनी चाहिए, या फिर जो भी क्वालिटीज़ हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस हेलीकॉप्टर में तैयार होनी चाहिए। सो इस कंपटीशन से रिजेक्शन के बाद HAL का ऐसा मानना था कि उनका जो रिजेक्शन था वो फेयर नहीं था, और जो फोल्डेबल विंग और टेल बूम की रिक्वायरमेंट है वो कहीं से भी निकल के आ गई, ऐसा जो मानना था वो HAL का था। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ पॉइंट करना चाहूँगा, जो भी शिप्स इंडियन नेवी के साथ ऑपरेशनल है उनके जो साइज़ हैं वो ऑलरेडी छोटे हैं। दूसरी तरफ अगर आप ALH के साइज़ को देखोगे तो ALH की जो लेंथ है वो ऑलरेडी 16 मीटर का अराउंड है, और हाइट भी तकरीबन 5 मीटर की है। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे पैंथर से तो पैंथर ऑलरेडी ALH से तकरीबन 3 मीटर छोटा है और 2 मीटर हाइट में कम है, तो वहाँ पे पैंथर को फोल्डेबल टेल बूम की आवश्यकता नहीं है और आपको पड़ेगी। सो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। वहीं पर जो विंग का एरिया है वो आपका ज़्यादा है, तो आपको फोल्डेबल विंग की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखते हुए ही नेवी के लिए हेलीकॉप्टर्स को परस्यू करना चाहिए था, क्योंकि आपको कस्टमर को वू करना होता है, कस्टमर आपकी तरफ कैसे आए उसे तय करने की आवश्यकता आपको है, क्योंकि इंडियन नेवी उन कस्टमर्स में से है जो कि तीनों सेनाओं में इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा प्रेफर करती है। सो अगर HAL को ये कंपटीशन जीतना है तो ये जो इम्प्रूवमेंट्स है वो करने पड़ेंगे। हालांकि इसको लेकर ऐसी खबरें हैं कि ALH के Mark 3 वेरियंट पे जो कि नेवी के लिए होगा उसमें तकरीबन 19 इम्प्रूवमेंट किए जाने वाले हैं, और जहाँ पे NUH में HAL का आने का सवाल था तो ये चीज़ पहले पिक्चर में थी ही नहीं, क्योंकि NUH के लिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है उसके अंतर्गत ये कंपटीशन होना था, जबकि HAL का NUH IDDM के अंदर फॉल करता है, मतलब इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के अंदर। सो यहाँ पे ALH को आना ही नहीं था इस कंपटीशन में, लेकिन ये हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट है और IP भी हमारी अपनी है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हो सकता है NUH को प्रीफर किया जाए। लेकिन मेरी नज़र में अगर NUH को यहाँ पे इस कंपटीशन में एंटर करने का अगर आपको एक मौका देना है तो एक ही शर्त होनी चाहिए कि जो भी इम्प्रूवमेंट ये बता रहे हैं ALH Mark 3 पे वो इनको 3 साल के अंदर सभी को प्रूव करने पड़ेंगे, वो सभी के सभी 19 इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो आपके एफिशिएंसी का रिकॉर्ड है वो कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। दूसरी तरफ जो नेवी है वो अपने NUH प्रोग्राम को लेके ऑलरेडी काफ़ी वेट कर चुकी है। तो जो लास्ट थिंग होगी नेवी के लिए कि ये प्रोग्राम और डिले हो जाए, अगर आपने 19 इम्प्रूवमेंट करने हैं तो आपको 3 साल के अंदर सभी के सभी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो प्रूव करने पड़ेंगे। जो कि इस कंपटीशन में कम्पीट कर रहा है एक जो प्रोमिनेंट दावेदार है पैंथर, वो ये चीज़ आपको डिलीवर करने में सक्षम है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर अगर NUH को देने हैं तो NUH को ये प्रूव करने पड़ेंगे एक टाइमलाइन के साथ,
जहाँ तक बात है फंड की, अगर ये डील फॉरेन वेंडर से होगी तो जिस भी प्रकार का फंड का फ्लो उधर होगा वैसे ही फंड का फ्लो आपको भी दिया जाएगा। सो जो मेरी प्रॉब्लम थी NUH कंपटीशन में HL को लेके वो यही है कि जो टाइमलाइन है वो और डिले ना हो जाए। जहाँ तक बात है ALH Mark 3 में इम्प्रूवमेंट्स की, तो जो मेजर इम्प्रूवमेंट थे जैसे कि फोल्डेबल ऑटोमेटिक टेल बूम और बैकवर्ड फोल्ड होने वाले जो रोटरी विंग है वो, तो ये दो मेजर इम्प्रूवमेंट है और इन दोनों को ही अभी फ्लाइट टेस्ट करके प्रूव नहीं किया गया है। और जो ऑटोमेटिक फोल्डेबल टेल बूम है उसकी टेक्नोलॉजी को अभी मास्टर नहीं किया गया है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी नई हैं। सो जो भी लोग ये कह रहे थे कि नेवी ने अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी फोल्डेबल टेल बूम की, तो वो चीज़ कॉमन सेंस है आपके हेलीकॉप्टर की लेंथ को देखते हुए। अब एक छोटा सा कंपेयर कर लेते हैं ALH Mark 3 और ब्लैक पैंथर के बीच में। बात करोगे पैंथर हेलीकॉप्टर की तो इसका जो MTOW है वो 4.5 टन का है, जबकि ALH Mark 3 का 5 टन का है। अगर रेंज की बात करो तो यहाँ पे रेंज की फैक्टर है, रेंज HAL के ALH Mark 3 की 340 नॉटिकल माइल की है, जबकि पैंथर यहाँ पे रेंज ऑफर कर रहा है 426 नॉटिकल माइल की। कैपेसिटी की बात करोगे तो तकरीबन 12 के नंबर में जो लोग हैं वो पैंथर में आ सकते हैं, वहीं पे 14 डेंस कंडीशन में हेल के ALH Mark 3 में आ सकते हैं। जबकि जो फोल्डेबल ब्लेड है वो दोनों में ही है, पैंथर में भी और ALH Mark 3 में, जो कि अभी नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे पैंथर को फोल्डेबल टेल बूम की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी पैंथर में ये ऑप्शन है कि आप टेल सेक्शन को फोल्ड कर सकते हो मैनुअली। तो यहाँ पे जहाँ तक उम्मीद है कि HL भी ALH के लेंथ पे काम करने वाली है। वेपन्स की बात करोगे तो मशीन गन दोनों में ही होगा, जबकि पैंथर में स्नाइपर राइफल का भी ऑप्शन है। जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है वो भी ऑफर किया जाएगा HL के द्वारा, जो कि पैंथर में ऑलरेडी ऑफर किया जा रहा है। टॉर्पेडो लॉन्च करने में सक्षम है पैंथर, और ये ऑप्शन ऑलरेडी ऑफर किया गया था इससे पहले वाले ALH के वेरिएंट में, जो कि ऑब्वियस है Mark 3 में भी ऑफर किया जाएगा। वहीं पर जो एंटीशिप मिसाइल है उसको भी कैरी करने में पैंथर सक्षम है। अनुमान है कि भारत के ALH Mark 3 में भी ये चीज़ ऑफर की जाएंगी, और इसकी वजह से ये हर तरह के ऑपरेशन करने में सक्षम होगा, चाहे वो एंटी पायरेसी हो, SAR हो यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू हो, एंटी सर्फेस या फिर एंटी शिप वॉरफेयर हो, या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, तो ये सभी के सभी जो वॉरफेयर है वो ये करने में सक्षम होगा। लेकिन यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है कि कितने रेडियस में ये करने में सक्षम होगा। अगर बात करोगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर की तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितने टॉर्पेडो कैरी कर रहे हो। तो ये सब कुछ मुख्य एलिमेंट है जहाँ पे HAL के ALH को काम करने की आवश्यकता है। अगर उनको ये डील वाकई में चाहिए तो ये जो अनप्रूवन कैपेबिलिटी है उसको जल्द से जल्द एक कम समय में प्रूव करनी पड़ेगी। नेवी के लिए जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है, और ये एक ऐसा डोमेन है नेवल हेलीकॉप्टर का जिसमें नेवी काफ़ी सालों से लैग कर रही है। क्योंकि आप ऑल अराउंड देख लो जो भी आपके टॉप 4 नेवी है वर्ल्ड में, तो उन नेवी का जो एविएशन कॉर्प वो काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं पे पैंथर में नोज पे जो एक सर्च रडार है वो भी ऑफर में है। इस तरह के रडार को लेके हो सकता है DRDO एक ऑप्शन दे HAL के ALH Mark 3 के लिए, नहीं तो जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ELM के 2022 को हो सकता है ALH Mark 3 के साथ ऑफर में लाया जाए। क्योंकि ये रडार ऑलरेडी जो हमारे डोनियर्स हैं जिसको HAL ने मॉडिफाई किया था मेरी टाइम कोस्टल ऑपरेशन के लिए, तो उस पर जो रडार माउंटेड है ELM 2022, तो वो हो सकता है ALH Mark 3 के साथ भी ऑफर में हो। सो यहाँ पे इस चीज़ को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर कैपेबिलिटी की बात करोगे तो ALH Mark 3 में वो सारी चीज़ें हैं या फिर मॉडिफाई की जा रही हैं। तकरीबन 19 के नंबर में जो मॉडिफिकेशन हैं वो किए जाने हैं, और इन सभी मॉडिफिकेशन को देखते हुए और HAL की एफिशिएंसी को देखते हुए पास्ट रिकॉर्ड में अगर ये डील उनको चाहिए तो ये सभी की सभी चीज़ें एक स्पेसिफाइड टाइम में प्रूव करनी पड़ेंगी आपको। नहीं तो जो SP मॉडल के थ्रू NUH का कंपटीशन होना है वो आप होने दें, क्योंकि SP मॉडल को बनाया है इसलिए गया था कि जो भी आपके प्राइवेट सेक्टर हैं वो फॉरेन वेंडर के साथ मिलके अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनके पास जो एक टेक्नोलॉजिकल बेस है वो बनेगा, वो आने वाले दिनों में एक तरह का जो इकोसिस्टम है वो भारत में बना पाएंगे, मतलब जो आपके पास ऑप्शन होंगे वो बढ़ेंगे। तो इसलिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मॉडल था वो लाया गया था भारत में। तो यहाँ पे मैं पूरे सपोर्ट में हूँ ALH Mark 3 के, अगर वो सभी के सभी जो 19 या 20 मॉडिफिकेशन है वो एक लिमिटेड समय में करके ऑफर करने को तैयार है। तो इसको लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।